नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, डी कंपनी इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये डेवलपिंग का मतलब यही है कि वो अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग 2003 एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 100,000 ऑफ विच 90,000 वाज इनकर्ड बिफोर 1st December एंड 10,000 बिटवीन 1st December एंड 31st December। ठीक है, यानी कि 90,000 वो आपका 1st December से पहले पहले और जो 10,000 है वो 1st से लेकर 31st December तक। ठीक, बी कंपनी कैन डिमॉन्स्ट्रेट दैट एट 1st December 2003 The production process met the criteria for recognition as an intangible asset. हम ये कर रहे हैं कि उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है। The recoverable amount of know-how embodied in the process is estimated to be 50,000. ये जो हमें इस चीज का पता है ना कि सिर्फ हम ही इसको फीदार कर सकते हैं, इसकी जो वर्थ है ना, जो एस्टिमेट की गई है वो 50,000 तक की गई है। ठीक हो गया जी, ये हमारा सिनेरियो है। तो वो कहता है कि इस एक्सपेंडिचर को ट्रीट कैसे करना। जब एट द एंड ऑफ 2003 द प्रोडक्शन प्रोसेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनटेंजिबल एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000। ठीक है, दिस इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड सिंस द डेट व्हेन द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वर मेट, दैट इज 1st December 2003। The 90,000 expenditure incurred before 1st December is expensed because the expenditure the recognition criteria were not met. It will never form part of the cost of expenditure process recognition in the statement of financial position. ठीक है, तो जो पहले का 90,000 रुपया आपका लग चुका है ना, ये किसी क्राइटेरिया के तहत नहीं था, लिहाजा आप इसको रिकॉर्ड नहीं करो। वो जो 90,000 था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालेंगे भी नहीं? नहीं नहीं, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ आपको, दिस इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द डेट व्हेन द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वर मेट 10,000। ठीक है जी, कि 1 दिसंबर से पहले पहले, ठीक है, उस वक्त तो आपने रिकॉग्निशन जो क्राइटेरिया है ना उसको मीट किया। समझा भी बात की जी। तो द 90,000 एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर 1st December जी, एक्सपेंस एक्सपेंस में तो चला गया ना। ओके, मैं यही पूछ रहा हूं, उसको जाके कर नहीं ना सकते हैं। ठीक है, बस ये इसमें बात है। जो 10,000 है वो तो जाएगा बतौर इनटेंजिबल एसेट साल के एंड पे, और 90,000 जो है वो जाएगा उस खाते में। ठीक है जी सर।